जिंदा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी जो है मॉर्निंग के 5:30 कुछ बज रहे हैं। हम लोग उठ चुके हैं, थोड़ा ही रेस्ट किया है। रात को आई थिंक 2 कुछ बज गए थे हमें आने के लिए। तो यहाँ से जो है ना, हम लोग रेयांश का मुंडन करवाना है, तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर करना होता है, टोकन नंबर लेना होता है। तो यहाँ से जो है हमने टोकन नंबर लिया है, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये जो भैया है ना, तेलुगु में बात कर रहे थे, हम लोग को समझ में नहीं आती, तो वो जो है इशारे करके बता रहे थे कि यहाँ पे डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है करके। यहाँ पे जो है मैं भी मुंडन करवा रही हूँ, और मैंने सोचा था कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाऊँगी ना, तभी जो है मैं जो मुंडन करवाऊँगी ऐसे। और अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जिसे करवाना होता है वो करवाता है, जिसे नहीं करवाना होता वो जो है पांच जगह से थोड़े थोड़े हेयर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सभी का मुंडन हो गया है। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये मठ है, मतलब यहाँ पे जो भी स्टे करता है फ्री होता है। यहाँ पे जो कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, फ्री में रहना होता है। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा होटल्स, मतलब जो रूम्स होते हैं, जिसको रूम्स लेना होता है वो भी लेता है। हम लोग जो है फर्स्ट टाइम गए थे, मतलब हम फर्स्ट टाइम गए थे, बट फैमिली के जो मेम्बर्स है वो पहले भी गए हुए हैं। तो अपना अपना होता है कि जिसे जैसे स्टे करना होता है वैसे स्टे करता है। तो ये इतना बड़ा प्लेस था। अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है जो मठ होता है ना, उससे हम लोग निकल चुके हैं। अभी मेन मार्केट जा रहे हैं, यहाँ का जो मार्केट होता है। फिर जो मतलब फोन तो अंदर नहीं लेके जा सके थे, अभी यहाँ पे हम सभी आपको चीजें। तो फ्रेंड्स, हम जो है दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं मेन मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। दर्शन में एक्चुअली कैसे, जैसे ही हम लोग निकले ना, वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे जो है फ़ोन हमें सबमिट करना होता है, अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। तो वहाँ का तो है, मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं निकाला। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में,
और यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, वो सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ से जो भी लोग आते हैं ना, यहाँ पे स्टे करते हैं, जैसे मठ होते हैं वैसे ये भी प्लेस होते हैं। फिर अंदर जो है वहाँ से टिकट लेनी होती है, उसके बाद चलो एक मिनट, कैसा है ये? 20, 60, 50 कम करके कितने में दोगे? 60 कम करके दो ना भैया, 30 रुपए दो। एक कम करता नहीं कतरा मैं देवाल के रही। ये कैसा है गजरा? कैसा है उधर है मेला थानु पहाड़ में सामान कितने का ये क्या? अरे वो सस्ता से होना है, अत इतना मुंगो कर रही थी। ए हेड पड़न तो रो बेटा, ये कितने का है? अच्छा वो क्या अच्छा छोटा ना बड़ा ना, ये कितने का है? 100 रुपया बड़ा से पूरा 10। अरे अम्मा ये नहीं, मेरे को प्राणी वास कौन से लोगों में इयरिंग कितने का है? 200, 100 रुपया 50 रुपया। मुझे ये मार्केट है ना बहुत ज़्यादा महंगा लगा, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें थी ना इतनी महंगी थी। इवन पुणे का जो आपने लास्ट मेरा एक ब्लॉग देखा होगा तुलसीबाग मार्केट, वो इतना सस्ता था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे बोल रहे थे। पता है ना कहीं पे हम जाते हैं तो वहाँ का ऐसे मतलब लोग महंगा ही बोलते हैं, बट अपनी बार्गेनिंग स्किल्स होती है अगर हम बार्गेनिंग करके। फिर जो दो लेडीज जा रही थी उनका जो पहनावा था वो बहुत अलग था, तो वही मैं दिखा रही थी आपको कि ऐसा भी पहनावा होता है। उनका हेयर स्टाइल एकदम अलग टाइप का था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हमें जो है फ़ोन लेके जाने नहीं दिया गया था और किसी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अंदर फ़ोन लेके जाना। बट अभी जो है हम लोग बाहर से, मतलब मुझे वीडियो निकालना था तो मैंने इनको बोला कि मुझे वीडियो निकालना है, तो चलिए हम लोग जाके दर्शन करके आते हैं बाहर से। ये जो सामने प्लेस दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो बड़ा सा, तो यहाँ पर जो है हेयर कट किए जाते हैं। ये इतना डिपार्टमेंट यहाँ पर सिर्फ हेयर के लिए ही है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉशरूम है कि लोग अगर आते हैं तो नहाने के लिए, मतलब यहाँ पे सभी सुविधाएं की गई है नहाने के लिए, रहने के लिए प्रॉपर ऐसे। और वहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, जो रूम है होटल के उसके सिर्फ 150 और 200 ही चार्जेस है। और ये जो स्पेस था यहाँ पे कंटिन्यू भजन चालू रहते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, अलग अलग उनके ग्रुप्स होते हैं जो आके यहाँ पे भजन करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू भजन चालू रहता है। तो ये पूरा एरिया है, और जो मंदिर का डिस्टेंस है ना फ्रेंड, मतलब जो हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है, यहाँ से मंदिर जो है सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, बट दर्शन लेने के लिए हमें 3 घंटे लगे। और वो इतना मतलब घूम घूम के जाना पड़ता है दर्शन लेने के लिए, क्योंकि ये इसलिए किया गया है वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उन्होंने इतने ऐसे रास्ते बना के रखे हैं ना, इसलिए जो है
है वो लोग इतनी भीड़ को मैनेज कर पा रहे हैं प्रॉपरली, नहीं तो कैसा होता है कि नॉर्मल अगर भीड़ हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है कुछ भी हैंडल करना। बट यहाँ पे इतने लोग आते हैं, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे आते ही रहते हैं लोग, स्पेशली श्रावण में। और हम लोग जब गए थे तो श्रावण एंड हो गया था तो यहाँ पे भीड़ थी, बट इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि मम्मी पापा लास्ट टाइम आए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी पहले, बट अभी जो है थोड़ी कम भीड़ है करके। यहाँ पे जो है ना, मतलब मेन एंट्रेंस से यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते, मतलब यहाँ से जो भी दर्शन कर, यहाँ से जो भी लोग दर्शन करके आ रहे हैं ना, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं रिटर्न, मतलब दर्शन करके वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तब अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं ना तो वो पीछे साइड का रास्ता है, मैंने जैसे आपको दिखाया था ना कि कहाँ से जाते हैं पीछे साइड जो स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं क्योंकि पूरा राउंड होता है, इजीली ऐसे डायरेक्टली मंदिर में नहीं जा सकते, पूरा घूम के जाना होता है। तो उनका जो पीछे का दरवाजा है वो पूरा वहाँ से जाते हैं। टेम्पल है ना, जो मेन मंदिर है वो, ये जो मेन दरवाजा आपको दिख रहा होगा, जो सामने दरवाजा सामने का दिख रहा है ना व्हाइट कलर का जो है मंदिर जैसा, वो मेन एंट्रेंस है। उसके पीछे जो मेन दरवाजा होता है जिससे मंदिर में एंटर करते हैं, वो वाला दरवाजा है सेकंड। और उसके बाद आपको एक गोल्डन कलर का पूरा दिख रहा होगा ना, वो मेन है, मतलब जहाँ पे बालाजी भगवान की प्रतिमा है वहाँ पे उनकी प्रतिमा विराजमान है। जो सेकेंड गेट है बीच वाला, वहाँ तक ही हम लोग जा सकते हैं, वहां तक ही हम लोग जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते, वहां से ही दर्शन लेते हैं और फिर जो है आगे रवाना कर दिया जाता है, मतलब वहां से दर्शन लेके फिर अंदर भी। और छोटे छोटे मंदिर है, फोन लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि हम लोग लेके भी गए थे तो हम लोग को जमा करना पड़ा था। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, पूरा ये पूरे पहाड़ों के बीच में गणेश देख रहे हैं। हमारे वेदों के ज्ञान है ना यहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब जो भी पुराण होते हैं वो सब भी की चीजें यहाँ पे कही जाती है। और ये जो होता है ना लाइव चलता है, जैसे कि अगर अंदर जाते हैं गेट के अंदर तो अलग अलग ऐसे ये होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं कि डायरेक्टली छोड़ा नहीं जाता है, पहले उनको उसमें बिठाया जाता है, सब लोगों को भरा जाता है, रूम टाइप होता है वो, उसके बाद जो है सभी लोगों को एक साथ छोड़ा जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना, सब लोगों को एक साथ छोड़ दिया तो काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, तो एक एक को उस रूम में भरा जाता है मतलब लाइन के हिसाब से, और उसके बाद अंदर छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे ना बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं और उसमें जो चलता है इनका लाइव चलता है, जो भी ये लोग बोल रहे हैं ना ये सब लाइव वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। यहाँ पे लोग बैठ के भी सुन रहे हैं काफी ज्यादा। जब हम लोग गए थे तभी भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पे जो टेंपल का लुक है रात के टाइम में इतना अच्छा लग रहा है ना, एक्चुअली कैमरा क्वालिटी इतनी खास नहीं है, मतलब इतना नहीं आता है जितना आना चाहिए। हाँ
ये लोग बंधा है तो पन धागा बंधा है देव पर पकड़ वो अंकल इन 2 रुपीज दो बंधा बस बांधना बच्चा चलो चलो को आगे गोविंदा